हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि हम इलेक्ट्रॉन्स 4s ऑर्बिटल में पहले भर देते हैं, 3d में बाद में भरते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर हम जानते हैं कि 4s ऑर्बिटल, जो s ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती है, और जब न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती है ऑर्बिटल तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। पेनिट्रेशन यू नो कि ज़्यादा अंदर तक इलेक्ट्रॉन्स उसके पेनिट्रेट होते, धंसे होते हैं एटम में। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होंगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन चार्ज, पॉजिटिव अट्रैक्शन चार्ज, उन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश उतनी ही ज़्यादा करेगा। और जितना ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, एनर्जी उतनी रिलीज़ होगी। तो 4s के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, और एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ उनकी एनर्जी कम हो चुकी है, न्यूक्लियस ने एनर्जी कम कर दी है। और अगर एनर्जी कम है तो लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं और हाई एनर्जी ऑर्बिटल में बाद में भरते हैं। एक तो ये रीज़न है कि 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और उसके बाद 3d ऑर्बिटल में भरते हैं। फिर दूसरी, आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, तो डी ऑर्बिटल जो होती हैं वो स्पेस में इस तरह से ओरिएंटेड होती हैं, उनकी लोब्स जो होती हैं दूर दूर होती हैं एक दूसरे से। एटम की लोब्स एक दूसरे से इतनी दूर होती हैं कि उनका न्यूक्लियस इफेक्टिवली उन्हें अट्रैक्ट करने लगती है। और जब न्यूक्लियस उन्हें इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है तो उनकी एनर्जी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं डी ऑर्बिटल में, वैसे वैसे डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्शन में लेने लगती है। एनर्जी कम होने से 3d ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी लो हो जाती है कि वो 4s के अंदर चली जाती है। मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेती है डी को, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई है, और एनर्जी कम है डी ऑर्बिटल की तो वो ज़्यादा स्टेबल हो गई है। स्टेबल हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर चुके हैं, डी का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब हम आगे जाते हैं, अगर हम इससे अगला एलिमेंट लेते हैं, जैसे स्कैंडियम से ZN तक डी में इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, ZN पूरा होने पे 3d की एनर्जी कम होती गई, और अगर 3d की एनर्जी कम हो गई है तो डी ऑर्बिटल जो होती है वो 4p ऑर्बिटल को ज़्यादा स्क्रीन करती है, 4p को स्क्रीन करती है, तो इलेक्ट्रॉन 4p से पहले 3d में भर जाते हैं। और जब 3d में पहले इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो 4p का नंबर नहीं आता। ZN के बाद जो एलिमेंट आता है गैलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 31। अब गैलियम में 4p ऑर्बिटल भरनी मजबूरी है, क्योंकि अब उसकी एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि डी तो फुली फिल्ड हो गई है और 4s भी फुली फिल्ड है। इसलिए अब हम अगला इलेक्ट्रॉन डालते हैं 4p ऑर्बिटल में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ।